नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के नागपुर में भूत प्रेत का डर दिखाकर बुजुर्ग दंपत से लूट का मामला सामने आया है। लूटपाट की इस घटना को एक किन्नर ने अंजाम दिया है। पीड़ित दंपत ने बताया कि कैसे सम्मोहित करके किन्नर उन्हें लूट कर भाग गए। चलिए जानते हैं पूरा मामला। देश में लूटपाट के कई अनोखे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र के नागपुर से। यहाँ एक किन्नर ने बुजुर्ग दंपत को भूत प्रेत का डर दिखाया, फिर उन्हें लूट लिया। यही नहीं, उसने दंपत से कागज पर यह भी लिखवा लिया कि वो सारा सामान अपनी मर्जी से उसे दे रहे हैं। पीड़ित दंपत ने पुलिस से मदद मांगी है। दंपत का कहना है कि उसने उन्हें सम्मोहित कर लिया, फिर इन लोगों ने भगवान पर विश्वास करके वह जो बोलता गया वैसा वैसा करते गए। संगीत बानखाड़े नामक महिला ने पुलिस को बताया कि मैं अपने घर पर काम कर रही थी, मेरे पति सुधीर हॉल में बैठे थे। इसी दौरान एक किन्नर ने हमें बाहर से आवाज लगाई। किन्नर को हाफता देख मैंने उससे पानी के लिए पूछ लिया। पानी पीने के बाद उसने हमें आशीर्वाद दिया और कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि हमारे घर में भूत का साया है, इस कारण हमें परेशानियां हैं और ये आगे परेशानियां और भी बढ़ेंगी। दंपत ने बताया कि हम पिछले कुछ समय से सच में ही परेशानी में चल रहे थे, इसलिए हमें लगे कि किन्नर शायद सच कह रहा है। हमने उससे इसका उपाय पूछा तो किन्नर ने हमें चावल लाने को कहा। उसने चावल पर मंत्र फूंकने का नाटक किया और फिर हाथ की चालाकी से चावल गायब कर दिया। इस पर हम दोनों उससे प्रभावित हो गए। पीड़ित दंपत ने आगे बताया कि किन्नर ने हमसे 21 बच्चों के कपड़े और भोजन की व्यवस्था करने को कहा। इसके अलावा उसने 21,000 रुपये मांगे। जब हमने इतने पैसे होने से इनकार कर दिया तब उसने कहा कि आपके पास जो कुछ है दे दीजिए। उसने टेबल पर एक शर्ट रख दी। हमने ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गए। हमने 11,550 नगद और 11 ग्राम सोने की 2 अंगूठी वहाँ पर रख दी। इसके बाद किन्नर ने सब कुछ शर्ट में लपेट लिया और लाल रंग की थैली में रख लिया। संगीता ने बताया कि पूजा करने के बहाने वह मेरे पति सुधीर को जेरी लॉन के टी पॉइंट पर ले गए। यहाँ पर उन्हें पीठ दिखाकर खड़ा होने को कहा और फिर पीछे से फरार हो गया। इतना ही नहीं, किन्नर ने हमसे कागज पर लिखवा लिया कि रुपए और गहने हम उसे अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।